मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि जैसे शैलेश मटियानी जी के विषय में अक्सर बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि बिल्कुल पहाड़ के जीवन का मुहावरा यदि किसी की कहानियों में पढ़ना हो तो शैलेश मटियानी को आप पढ़िए, तो इन दिनों कविता में अगर पहाड़ के जनजीवन के मुहावरे को आप देखना चाहते हैं शब्द चित्रों के माध्यम से, तो डॉक्टर अनिल कार्की इसमें खड़े उतरते हैं। अनिल से अनुरोध है कि अपनी एक प्रतिनिधि एक कविता प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, श्री अनिल कार्की। बहुत शुक्रिया अहमदा। मेरी एक कविता है, एक डैम बनना है पंचेश्वर डैम, उसमें बहुत सारी चीजें डूब जानी है, उसमें एक पुल डूबने वाला है। वैसे उसमें तीन पुल डूबने वाले हैं, लेकिन एक पुल का डूबना क्या है मैं उस पर ये कविता सुना रहा हूं। बिना आवाज चुपचाप एक पुल डूब रहा है। कई कई पुल डूब रहे हैं इस वक्त दुनिया में। दुनिया को जोड़ने वाले सारे डुबो दिए गए पुल अपनी मर्जी से कतई नहीं डूबे हैं, बल्कि उन्हें साजिशन डुबोया जा रहा है। इन डूब रहे पुलों को नदी कतई नहीं डूबो रही। दुनिया के सारे पुल नदियों के प्रेमी थे, जो नदी के दोनों किनारों का हाल चाल, सेम कुशल, चूल्हों की आग, रिश्तेदारियां चुपचाप नदी के वार पार ले जाते थे। हरे रंग की पोशाक पहने पुल आदिम डाकिये थे, सारे पुल अंगद के पैर थे, देशों और राजाओं की खींची हुई सीमाओं पर। दरबारों पर जमे हुए सारे पुल विषमताओं में समताओं के दूत थे, सीमाओं के विरुद्ध वह नदी से बढ़कर थे कभी कभी, पर नदी का होना पुल का होना था, जैसे पुल का होना नदी का होना। दुनिया में जब भी डूबते हैं पुल, गहरा जाती है विषमताएं, सीमाओं का मुंह खुल जाता है, दोनों किनारे शक संदेह की नजरों से घूरने लगते हैं एक दूसरे को। पुलों का होना कितना जरूरी है यह नदियों से बेहतर कोई नहीं जानता। इस समय पुल केवल इसलिए डूबे जा रहे हैं कि हम इंसान भी मनुष्यता की नदी के दो किनारों से पूरी तरह कट जाएं। दरअसल पुल को डुबो देना या पुल का डूब जाना केवल लोहे के सरियों से बने नदी के दो किनारों पर अटके झूले का डूब जाना नहीं, धरती से मनुष्यता के संवाद का डूब जाना भी है। धन्यवाद।